Now, I have the privilege to invite chief guest Sri Peenar Hari to the dais. Before I do that, his impressive career showcases his dedication towards public service and impactful contributions from his roles in Swachh Bharat Abhiyan to fostering MSME growth in Madhya Pradesh. His leadership has earned state recognition and awards, highlighting success in ease of doing business and development of thriving startup ecosystems. As an author, his book delved into significant initiatives. In his current role as Secretary of MSME, he continues to promote economic ties and global collaborations through events like Global Investor Summit and many others. Please give a huge round of applause as he walks to the dais. कुछ को इंडस्ट्री यानी कि
स्मॉल से लेके मीडियम से लेकर भी इंडस्ट्रीज चलाने का अगर कोई उद्देश्य है तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन है जहाँ पे हम सीख सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट लाइफ में जो हम सीखते हैं वो ही सीख है, उसके बाद में जो है ना वो जीवन है। स्टूडेंट लाइफ के बाद ऐसा इंटरेक्शन कभी नहीं मिल पाएगा जैसे अभी आपको मिलने को, अभी आपको जिस तरह का इंटरेक्शन आप देखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी ने जो बहुत अंडरलाइनिंग बात कही है वो है टू डेवलप अनसोन पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व निर्माण करना बहुत जरूरी है। और ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो इंडस्ट्री मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो केवल और केवल आप अपने स्कूल कॉलेज डेज में ही बना सकते हैं। और ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, इस फॉर्मेटिव ईयर्स में ही हम अपने पर्सनैलिटी को तैयार कर सकते हैं और आगे चलकर मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में, कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम अपना पर्सनैलिटी को ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक अच्छी एक पॉइंट बताया गया रुचिरा मैम ने और प्रज्ञा जी ने कहा एम्प्लॉयबिलिटी, और अरोरा जी ने भी यही कहा कि सर्टिफिकेट्स खूब ले लो लेकिन अल्टीमेटली आपके अंदर जब कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, कॉम्पिटिशन की बात आएगी, तो आपको ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो आप किसी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में आप अप्लाई करेंगे या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, तो आपको प्रदर्शित करना होगा कि आप सबसे योग्य व्यक्ति हैं। इफ यू हैव टू शो दैट देन यू नीड टू हैव अ पर्सनालिटी, एंड उसके लिए सिर्फ सबसे बेस्ट जो माध्यम होता है, सबसे अच्छा होता है इस तरह के इंटरेक्शंस करिकुलर के साथ, को करिकुलर एक्टिविटीज जितने हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना ही हमको अपॉर्चुनिटीज जब भी मिलेंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर एक पोस्ट है सिलेक्शन के लिए, उस एक पोस्ट के लिए अगर कंपटीशन होता है तो हमारी इतनी तैयारी होना चाहिए कि एक पोस्ट के लिए भी हम सिलेक्ट हो सकें। तो यहां पर इस तरह का इंटरेक्शंस को मैं अप्रिशिएट करते हुए, जैसे मैंने कहा कि हम सरकार में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के लिए क्या करते हैं, सो वी आर पॉलिसी मेकर्स। हमारा काम, मैं जैसे सेक्रेटरी हूँ, मैं एमएसएमई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूँ, तो हमारा काम क्या रहता है, हम अग्रवाल जी आपके जो एसोसिएशन हैं, आपको आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री कैप्टन के साथ, इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं। और हम इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री क्या चाहता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, चाहे वो फर्नीचर, टॉयज, फार्मा, लेदर, गारमेंट्स, जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर में समय समय पर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम आपके साथ चर्चाएं करते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं और फिर हम पॉलिसीज तैयार करते हैं। किस तरह का पॉलिसी तैयार करते हैं कि अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है तो कहां लगाना चाहिए और कौन कौन सी जगहों पे हम इंडस्ट्रीज के लिए लैंड्स, लैंड पार्सल्स, हम क्लस्टर्स या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप कर रहे हैं, उस इंडस्ट्रियल एरिया में आपको किस तरह का, आपको इंडस्ट्री लगाना है तो किस तरह से आप वो प्लॉट्स ले सकते हैं, लैंड्स ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको अपने खुद के पैसों के साथ आपको जो पूंजी की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट की जो आवश्यकता है, वो गवर्नमेंट कितना आपको सपोर्ट कर सकता है, उसके बारे में हम पॉलिसीज का निर्माण करते हैं, स्कीम्स लाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी, यानी कि जो स्वयं अपना खुद का कोई बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर में कुछ भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर उद्यमी कहते हैं। तो अगर आपको उद्यमी बनना है, इंडस्ट्रीज बनना है, इंडस्ट्री चलाना है, बिजनेस चलाना है, सर्विस सेक्टर में आना है, तो हम आपको हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, चलाना आपको ही है, लगाना आपको ही है, सब कुछ आपको ही करना है। लेकिन
कंड्यूसिव पॉजिटिव पॉलिसीज कैसे निर्माण करें, ये हमारा काम है। तो उसके लिए हम जो पॉलिसीज तैयार करते हैं आप लोगों के साथ चर्चा करके, फिर हम पॉलिसीज गवर्नमेंट कैबिनेट में जाके उसको अप्रूव करा के फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये भी करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो जिसको हम कहते हैं स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक हो गया इंडस्ट्री चलाना, बिजनेस चलाना, सर्विस सेक्टर चलाना, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसमें बिजनेस सर्विस ये सब भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, लेकिन आपको वहां पर भी पूंजी की आवश्यकता है। एक इंडस्ट्री चलाने के लिए हम अलग से देते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग से देते हैं। तो वो किस तरह से हम दे सकते हैं, किस किस को देते हैं, उसमें क्या सपोर्ट रहता है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन क्या मिलता है, उसमें सब्सिडीज क्या मिलते हैं, उसमें कौन कौन से पर्पसेस के लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टॉयज फर्नीचर का भी लेटेस्ट पॉलिसी हम लाए, हम उसमें नॉट ओनली सब्सिडीज के साथ साथ हम ये भी देते हैं कि अगर आप कुछ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, मान लीजिए 50 लोगों को आपने एम्प्लॉय किया, उसमें मान लीजिए कि आप उनको पर व्यक्ति जो आप सैलरी देते हैं उस सैलरी का कुछ भाग हम देते हैं, 5000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से हम आपको सैलरी सपोर्ट भी देते हैं ताकि आपके जो एम्प्लॉयज पे जो खर्चा कर रहे हैं कुछ हद तक उसका बोझ हम उठा सके। तो इस तरह के पॉलिसीज का निर्माण करते हैं तो इंडस्ट्री सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए, ताकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और देश में आज के तारीख में जॉब्स से ज्यादा जरूरत है जॉब्स देने वालों की जरूरत है। हमारा देश इतना बड़ा है, अभी जैसे स्पीकर्स ने भी बोला है कि हमारे यंग देश है, 129 ईयर्स हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, विद इन मध्य प्रदेश 129 ईयर्स 3 करोड़ पॉपुलेशन है, ओनली मध्य प्रदेश में 129 ईयर्स 3 करोड़ पॉपुलेशन है, और 18 से 29 इयर्स के बीच में 1.5 यानी उसमें से 50% पॉपुलेशन 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इस पॉपुलेशन को वेबसाइट और सोशल मीडिया पे हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे भी आप देख सकते हैं, वी डू अ प्रोग्राम कॉल्ड रोजगार दिवस एवरी मंथ। हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक्स ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने अपॉर्चुनिटीज होते हैं उन सब का एप्लीकेशंस को प्रोसेस कराने के लिए और स्वीकृत कराकर उनमें चाहे लोन दिलाना हो, क्रेडिट दिलाना हो, फाइनेंसिंग करना हो, रिफाइनेंसिंग करना हो या सब्सिडीज देना हो, ये पूरा कार्यक्रम हम रोजगार दिवस के माध्यम से हर महीने करते हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म कि हम हर महीने 2 से 3 लाख लोगों को इस पर्टिकुलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज से जोड़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट अपने तरफ से जो भी करता है, यू ऑल्सो नीड टू नो गेट एजुकेटेड, पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सपोर्ट क्या कर रहा है। तो उसके लिए आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू इंटरैक्ट, ये जो इंटरेक्शन है बहुत अच्छा है। वैसे ही हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, वहां पे ऑफिसर्स होते हैं, वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से हैं स्टार्टअप्स, और दिस इज अ न्यू एरिया। सिंस 2014 इंडिया अलोन अपने देश में 1 लाख स्टार्टअप्स, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हमारे देश में नए उभर कर आए हैं, यानी 2014 ऑनवर्ड्स now we have more than 1 lakh registered recognized startups in our country. Usme se now nearly 4000 startups are from Madhya Pradesh. 2023 January mein ek naya startup policy laaye hain aur yahan pe Arunab hamare startup center ke incharge baithe hain, field samay dijiye, he will tell about the startup policy. स्टार्टअप मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एकेडमिक्स से संबंधित लोग यहाँ पे हैं,
अगर आपने कोई दुकान खोला है, आपने कोई छोटा बिजनेस या कोई एक कंपनी एस्टैब्लिश किया है, वो स्टार्टअप नहीं है, वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई नया आइडिया आया है, आपने कोई नया इनोवेशन डेवलप किया है, आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रोसेस, उस बिजनेस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग के गतिविधि में कोई ऐसा नया तकनीक निकाला है जिस प्रोसेसिंग से आपका नॉट ओनली कॉस्ट बट टाइम और इफेक्टिवनेस बढ़ गया है, तब जाके उसको आप पेपर पर उतारेंगे और उसको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, मैं बोला स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, उस स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाके आपके इस आइडिया इनोवेशन को आप वहां पे रजिस्टर करेंगे, तो वहां पे एक टीम बैठती है जो आपके आइडिया और इनोवेशन को उसका परीक्षण करते हैं, करने के बाद ये मानते हैं कि हाँ दिस पर्टिकुलर आइडिया हैज समथिंग न्यू इन दैट, एंड तब जाके आपको रिकॉग्निशन मिलता है, एंड दैट इज व्हेन यू आर नोन एज ए स्टार्टअप, अदरवाइज आप स्टार्टअप नहीं है। सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एनी बडी हू हैज बीन एबल टू डू अ प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, प्रोसेसेस का सिंप्लीफिकेशन एग्जिस्टिंग, जैसे बहुत सिंपल है, जैसे ओला है या फिर मान लीजिए कि आपका ओयो है, ओयो रूट्स का इन्होंने क्या किया, होटल्स तो पहले भी थे, इन्होंने एक ऐप बनाया और सभी ऐसे छोटे मोटे होटल्स को एक पर्टिकुलर ऐप पे लेकर आए, एंड दी कस्टमर्स को जो है इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लिया कि आप किसी भी शहर में जाओ, आप ओयो ऐप पे चले जाओ तो आपको उस पर्टिकुलर सिटी में टाउन में आपको कौन कौन से होटल अवेलेबल है, क्या है, उसको सिंप्लीफाई किया है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है, देयरफॉर इट इज अ स्टार्टअप। तो मेरा आपसे ये कहना है कि एनी बड़ी, अभी प्रज्ञा जी बता रहे थे कि 5 ऐसे स्टूडेंट्स को आपने सीट फंड किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो इज नाउ प्लानिंग फॉर अ वेरी बिग स्टूडेंट इनोवेशन फंड ऑफ 100 crores। इम्प्लीमेंटेशन की हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही करने वाले हैं, आप जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स के लिए हमारे स्टार्टअप कॉलेज, इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री एज फार एज आइडियाज डिपार्टमेंट वाला, एवरी स्टूडेंट सिटिंग हियर मस्ट बी हैविंग एन आइडिया एंड इनोवेशन। आपने देखा होगा, आपने आपके पेरेंट्स को देखा होगा, पेरेंट्स को काम करते हुए देखा होगा, आपके किसी न किसी कारखाने में, किसी बिजनेस सेंटर्स में, कहीं पे भी जाएंगे आपने देखा होगा कि ये सिंपल चीजें ऐसे करने से इजी हो सकता है। वी नीड टू पुट ऑल दोस आइडियाज एंड इनोवेशंस इनटू प्रैक्टिस, उसको लाना है, कन्वर्ट करना है, और आई एम हैप्पी कि आप इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और इवन हर इंडस्ट्री में एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे जो इंडस्ट्री के लोग आए हैं इनको जाने से पहले इनसे प्रॉमिस करा लेना कि आप इंक्यूबेशन सेंटर को सपोर्ट करेंगे। इनके यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आईएचसी के स्टूडेंट्स हमको सॉल्यूशन निकाल के देंगे? तो अगर सॉल्यूशन निकाल के देंगे तो हम 1 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे, ऐसा अनाउंस करके तो हाँ, जो स्टार्टअप ये पूरा कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में केवल स्टार्टअप के लोग नहीं है, उसमें इंडस्ट्री है, उसमें एकेडमिया है, उसमें इन्वेस्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट है, सब लोग हैं, एंड आई एम टेलिंग यू दैट
वी एज अ कंट्री आर रियली प्रोग्रेसिंग, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, एंड वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. इन अनदर कपल ऑफ इयर्स वी आर गोइंग टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. बाय 2047 वी आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड दीज आर ऑल पॉसिबल. एंड हु आर हु इज गोइंग टू डू दैट? वी द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू दैट. तो मैं तो यही कहूंगा, अरोरा जी ने जैसे बोला है कि हमको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, हर फील्ड में हमको चैंपियंस की जरूरत है. तो व्हाट अभी जो जनरेशन क्या देख रहा है, हम ये देख रहे हैं कि सत्य नादेला है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ है, बहुत सारे आपकी बहुत सारे जितने भी डाटा मैनेज करने वाले कंपनीज है, उन सबके सीईओ बाय एंड लार्ज इंडियंस है. बट व्हाट वी नीड इज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या इस तरह के जो भी कंपनीज है, वो कंपनी बनाने वाले इंडियन होना चाहिए. कंपनी बनाने वाले इस कमरे से भी निकल सकते हैं. तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं. एलन मस्क जो है वो इतना बड़ा इन्वेस्टर है, एंड आप लोग डेफिनेटली पढ़ते होंगे, जैसे अभी बता भी रहे थे कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता, बहुत लोग पढ़ रहे होंगे. तो रीड अबाउट हिज लाइफ, यू विल सी दैट इट इज नॉट बेसिकली इट इज नॉट मतलब वो कुछ ऐसा और हल्का फुल्का पागलपन जैसा है, कुछ करना है, स्पेस में जाना है, स्पेस शटल में जाना है. सो वी नीड नैविक्स, इज एन एरा ऑफ नैविक्स. सो वी नीड पीपल हु कैन डू ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट इज वेयर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो इंडस्ट्री अकेडमी का इंट्रैक्शन, ये पूरा प्रोग्राम इस दिशा में डेफिनेटली होपफुल रहेगा. And I'm very hopeful कि आज का ये कार्यक्रम, दिन भर का कार्यक्रम आप सबके लिए, both for industry and academy के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. आप लोगों ने मुझे बुलाया है और इतने अच्छे वक्ताओं के बीच में हमको भी स्थान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.